नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के दल ने राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का किया अनुरोध। राज्य सरकार ने पटना में जिंदा मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगी रोक हटाई। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, इस वर्ष मार्च तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में 11 सदस्यीय चुनाव आयोग का दल आज से राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग की टीम ने पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बिंदु पर चर्चा की। दोपहर बाद आयोग के दल ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के दौरान भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, वामदल, एनसीपी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और आयोग को सुझाव दिए। बैठक के दौरान भाजपा ने मतदाता सूची के प्रकाशन में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। वहीं जदयू के प्रतिनिधि ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिलता जुलता होने का मामला रखा। पार्टी नेता ललन सिंह ने कहा कि इससे चुनाव के दौरान मतदाताओं में भ्रम की स्थिति हो जाती है। राजद की ओर से आयोग से मांग की गई कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची में हरिजन टोला शब्द का उल्लेख नहीं किया जाए। कांग्रेस ने चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती किए जाने के साथ ही वीवीपैट से सभी ईवीएम को जोड़ने की मांग की। वाम दलों ने सीपीआई ने मतदाताओं की सुविधा के लिए चलंत मतदान केंद्र बनाने की मांग की। कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पूर्व चुनाव आयोग का दल राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक करेगा। राज्य सरकार ने पटना शहर में जिंदा मछलियों की बिक्री पर रोक हटा ली है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सैनी ने आज मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में हस्तक्षेप की अपील की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बारे में निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश और बाहर से आने वाली मछलियों के सैंपल में कैंसर कारक तत्व मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 14 जनवरी को पटना में सभी प्रकार की मछलियों की बिक्री, भंडारण और उसके परिवहन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि इस वर्ष मार्च तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में 2,07,00,000 घरों तक बिजली पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत पिछले वर्ष ही हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के डुमरा प्रखंड में केंद्रीय बिजली कंपनी पावर ग्रिड के 1,400 मेगावाट एम्पियर क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस उपकेंद्र के निर्माण कार्य पूरा हो जाने से उत्तर और पश्चिम बिहार में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी। यह उपकेंद्र सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मास्टर जी उर्फ रमाशंकर सिंह को 5 दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। रमाशंकर ब्रजेश ठाकुर की संस्था में लेखापाल के रूप में कार्यरत था। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया जा सकता है। इधर इस कांड के सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। सीबीआई ने नाबालिग बच्चियों के साथ यौन दुराचार के मामले में राज्य के 4 से अधिक आश्रय गृहों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सीबीआई ने मुंगेर में दो तथा गया और भागलपुर में एक एक आश्रय गृहों के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में यौन शोषण मामले में चल रही जांच से यह अलग मामला है। प्राथमिकी के अनुसार इन आश्रय गृहों में वित्तीय अनियमितता पाई गई। इसके अलावा इन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य के सभी बालिका गृहों में यौन शोषण और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक निजी बैंक में घुसकर हथियार का भय दिखाकर कर्मचारियों से लगभग 7 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दल का गठन किया गया है। भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति जमा करने का मामला उजागर किया था। नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बड्डी गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोर होने के शक में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी। देर रात हुई इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत ललियाही मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिले के लिए कल पटना के सैदपुर स्थित किलकारी भवन में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। FTII पुणे द्वारा आयोजित सेमिनार में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के गुर बताए जाएंगे। सेमिनार का संचालन संस्थान के टेलीविजन निर्देशन विभाग के प्रोफेसर मिलिंद दामले करेंगे। गौरतलब है कि FTII सूचना प्रसारण मंत्रालय का संस्थान है जो फिल्म निर्देशन अभिनय और सिनेमेटोग्राफी के पाठ्यक्रम संचालित करता है। श्रम संसाधन विभाग ने इस वर्ष ITI की प्रायोगिक परीक्षा चुनिंदा केंद्रों पर ही आयोजित करने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष चुनिंदा सरकारी और संसाधन युक्त कॉलेजों में ही ITI की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। गोपालगंज मंडल कारा में बंद एक कैदी हीरा सैनी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जेल पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक हत्या के एक मामले में पिछले 3 वर्ष से मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में भूटान के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस और ट्रक के बीच टक्कर में 20 तीर्थयात्री घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के दल ने राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का किया अनुरोध। राज्य सरकार ने पटना में जिंदा मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगी रोक हटाई। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा इस वर्ष मार्च तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।